इसराइल को लगातार चुनौती दे रहे हमास आतंकी संगठन को ईरान की शह मिली हुई है, लेकिन ईरान ने सीधे तौर पर ऐसे सभी आरोपों को नकारा है। मगर हालिया तस्वीर इस बात को बताने के लिए काफी है कि ईरान की ओर से हमास को पूरा समर्थन मिल रहा है। यही वजह है कि हमास पूरी ताकत लगाकर अपने से मजबूत इसराइल को कड़ी टक्कर दे पा रहा है। दरअसल ईरान के अधिकारियों ने राजधानी तेहरान के फिलिस्तीनी स्क्वायर की इमारत पर भड़काऊ बैनर जारी किया, जिसमें इसराइल को तल्ख लहजे में धमकी दी गई है। तस्वीरों में फारसी और हिब्रू भाषा में लिखा हुआ धमकी भरा एक संदेश भी साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिस पर लिखा है कि हम पहले से कहीं अधिक मजबूत और दृढ़ हैं। इसके अलावा बड़ी स्क्रीन पर विध्वंसकारी मिसाइलों को आसमान में जाते हुए भी दिखाया गया है। ये ईरान का इसराइल को उकसाने वाला कदम माना जा रहा है, जो सीधे तौर पर इसराइल के सहयोगी अमेरिका की ओर इशारा करता है। मालूम हो कि ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी ईरान ने इसराइल को भड़काने की कई दफा कोशिश की है। जनवरी महीने में ही राजधानी तेहरान के फिलिस्तीनी स्क्वायर की इमारत पर 6 विनाशकारी रॉकेट्स छोड़ते हुए की बड़ी सी तस्वीर दिखाई गई थी, जिस पर हिब्रू और फारसी भाषा में लिखा था कि अपने ताबूत तैयार करें। ईरान के फिलिस्तीनी गुटों के साथ गहरे संबंध बताए जाते हैं। ईरान पर लगातार हमास को वित्तीय और सैन्य मदद पहुंचाने के आरोप लगते रहते हैं, जिसे ईरान की ओर से लगातार झुठलाया जाता रहा है। बता दें कि हमास और इसराइल के बीच शुरू हुई जंग के धीरे धीरे मिडिल ईस्ट के बाकी इलाकों में भी फैलने की आशंका बढ़ती जा रही है। ईरान के नेताओं की ओर से भी समय समय पर दिए जा रहे उग्र बयान भी मौजूदा हालातों में आग में घी का काम कर रहे हैं। हाल में ईरानी सशस्त्र बल के चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष ने कहा कि फिलिस्तीन के उत्पीड़ित लोगों के खिलाफ युद्ध में इजरायली शासन को निसंदेह अभूतपूर्व और अपूर्णीय हार का सामना करना पड़ा है। इजरायली रक्षाहीन फिलिस्तीनियों को मारकर अपनी हार की भरपाई करना चाहते हैं, जो निश्चित रूप से संभव नहीं है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की साल 2015 में इसराइल पर की गई टिप्पणी फिर चर्चा में है। उन्होंने कहा था कि इसराइल को 25 सालों में खत्म कर दिया जाना चाहिए। ये ईरानी शासन के लक्ष्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दिखाती है।